मेरे गुड़ और चंद्रमा के गुड़ एक मिल रहे हैं। चंद्रमा मेरी बात पूर्ण जरूर करेगा, मेरे अनुमानों को मेरे साथ देगा। चंद्रमा मुर्गा बनकर के गया, गौतम के दरवाजे पर आवाज लगाई, और इधर इंद्र गौतम का रूप बनाकर गया और अहिल्या के साथ छल करने लगा। गौतम तो स्नान के लिए चले गए, इधर हुआ क्या? गजब करे नारो मुरगाने, गजब करे नारो मुरगाने, बेटा गजब करे नारो मुरगाने, गजब करे नारो मुरगाने, गंगा पे नहावे को पहुंचे। गंगा में नहाने के लिए जैसे ही घुसे, इधर तो इंद्र गौतम का रूप बनाकर के छल करने लगा। इधर गंगा जी में नहाने के लिए गौतम जैसे ही घुसे, तैसे ही गंगा जी बहती है धीरे धीरे, और गौतम से कहती है धीरे धीरे, क्या तेरी बहुरिया घर छल गई। अरे जा करके देख, तेरी पत्नी के साथ छल हो रहा है। गौतम भाग खड़े हुए, जैसे गंगा माँ की बात सुनी, जैसे ही दौड़ते हुए भीगी साड़ी लेकर आए, इंद्र तो निकल कर भाग गया। मुर्गा के रूप में चंद्रमा को देखा, भीगी हुई साड़ी मारी, आज भी चंद्रमा के अंदर धब्बा लगा हुआ है। शुक्ल पक्ष में रात्रि में देखना, जब उजारा पाक हो, चंद्रमा के अंदर कालो कालो धब्बा दिखाई दे। भाई पहले हम नहीं जानते थे, हमने अपनी मम्मी से पूछी, हमने की जा बताओ जो कम चंद्रमा के अंदर कालो कालो धब्बा का। अम्मा बोली, मम्मी बोली अपनी अम्मा से पूछो। हमने अम्मा से कही, अम्मा तुम बताओ जो कहा है धब्बो कारो कारो। अम्मा बेचारी खुद ही नहीं जाने। सो माताओं की खासियत होती है, बालक कुछ पूछे तो भले नहीं आवे, उल्टो सीधो जरूर हाँ बता देवी जासू की बालक माइंड पे न लेवे बात।
अम्मा बोली लली, मैंने कहा हाँ बताए, मैंने कहा चंद्रमा के अंदर बैठी बैठी डुकरिया सूत काट रही है। लेकिन आज मालूम पड़ा है कि गौतम की भीगी हुई साड़ी का धब्बा है। गुरुदेव कहने लगे बेटा राम इस अहिल्या का उद्धार करो। भगवान ने गुरुजी के कहने पर गुरु विश्वामित्र के कहने से उस उन अहिल्या का उद्धार किया जो इंद्र के साथ कलंकित थी, उन कलंकों से उन्हें तार दिया। चढ़ रज, कुछ लोग कहते हैं भगवान ने अपना पैर अहिल्या के ऊपर रखा, नहीं, भला भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम पराई स्त्री के शरीर पर अपना पैर कभी नहीं रख सकते। हाँ राम जी ने इतना किया, जहाँ खड़े थे वहां से हटकर अपने पैरों की रज हाथों में लेकर के अहिल्या के ऊपर डाल दी, जिससे अहिल्या का उद्धार हो गया। अहिल्या अपने रूप में प्रकट हुई, भगवान की परिक्रमा की, भगवान की परिक्रमा करके अहिल्या वही विलीन हो गई। महाराज इधर गुरुदेव राम लखन को लेकर महाराज जनक की बाग के कोने पर पहुंचे। गुरुदेव ने राम लक्ष्मण से कहा बेटा शाम का समय होने जा रहा है, संध्या वंदन के लिए थोड़ा पुष्प ले आओ। राम लक्ष्मण महाराज जनक के अंदर बगिया में फूल लेने चले और इधर सीता जी अपने सहेलियों को लेकर के बाग में आए। कैसे